हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री एडिट प्लेटफॉर्म। आई एम ऋषभ मजुमदार, ऑल इंडिया रैंक 29, सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IRI न्यू दिल्ली। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, टुडे वी आर गोना डिस्कस सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, पिछले वीडियो में हम लोग फिलहाल बात किए थे अबाउट डिफ्यूजन के बारे में, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ये जो तीन है उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो चार मेजरली हेल्प करता है किसमें, जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज हेल्प करता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है क्या। देखो, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है यानी लंबी दूरी, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे ये हो गया तुम्हारा लिप्स और ये हो गया तुम्हारा रूट। तो इधर से खाना बनते, इधर से खाना कहां जाएगा, नीचे रूट में। रूट में पानी एब्जॉर्ब होगा, वो पानी किधर जाएगा, लिप्स में। तो ये जो लंबा लंबा दूरी ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट होगा, मेनली वाटर का होगा, मिनरल का होगा और फूड जो तैयार होता है लिप्स में उसका क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर और मिनरल जो है वो जनरली जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और अभी क्या है, जो मिनरल है वो भी फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अभी जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो क्या है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर मैं बोलूं ये ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन प्रोसेस में होते हैं तो ये सच है क्या, नहीं। मैं पिछले वीडियो में मेंशन किया था डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस। सो पर्टिकुलर इफ यू वॉन्ट टू टेक द फूड पार्टिकल फ्रॉम लिप टू रूट बाई डिफ्यूजन, इट विल टेक 32 years और मोर देन दैट। सो डिफ्यूजन प्रोसेस में हम लोग कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए अनदर मेथड अप्लाई होते हैं जिसको बोलते हैं बल्क मेथड, नहीं तो मास फ्लो मेथड। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज कैरिड थ्रू अनदर मेथड कॉल्ड एज मास फ्लो और बल्क मेथड। तो ये हो गया मास फ्लो और बल्क मेथड। ये क्या होते हैं, देखो बल्क और मास इसका मतलब क्या है, एक साथ सारे, यानी पानी हो गया, खाना हो गया, जो भी है, जो भी तुमको ट्रांसपोर्ट करना है इकट्ठा एक ही साथ एक ही वेलोसिटी में ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो वाटर मिनरल सब इकट्ठा होगा, वो एक साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक ही सेम वेलोसिटी में। तो इसको बोलता है क्या, बल्क मेथड। और ये क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस के वजह से। अब प्रेशर डिफरेंस क्या होता है ये आगे जाके हम लोग समझेंगे ये वीडियो में, तो देखते रहिए। सारे कॉन्सेप्ट जितना भी ये टॉपिक में दिक्कत होते थे आज क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस वीडियो को पहले से लेकर एंड तक आप देखते जाइए। तो मास फ्लो का मतलब क्या है, समझ में है? मास फ्लो का मतलब है एक मास से, मतलब सारे जितना भी है, अगर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फूड जो भी है, ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज जो भी है, एक साथ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों ट्रांसपोर्ट होगा, प्रेशर डिफरेंस के वजह से।
तो इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, मास फ्लो, नहीं तो बल्क मेथड। नाउ किसका ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मिनरल्स का हो सकता है, फूड पार्टिकल का हो सकता है। तो पहले हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं लिखता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसका बेटा तीन स्टेप है। पहले स्टेप, ट्रांसपोर्ट होने के लिए पहले वाटर का सोर्स चाहिए। कौन देगा वाटर का सोर्स? सॉइल। अब सॉइल से वाटर कैसे आएगा? पहले होगा एब्जॉर्प्शन। तो पहले स्टेप जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसेंट ऑफ सैप। पहले रूट में वाटर आया, वो जाइलम में चला गया। रूट में जाइलम होते हैं, रूट में भी जाइलम होते हैं, लीव्स में भी जाइलम होता है ना। तो रूट, सपोज फोटो में देखो, ये सपोज एक प्लांट है, इधर लीव्स है और इसका स्टेम इधर है और ये है उसका रूट। तो ये जो रूट है, ये रूट में क्या है, रूट हेयर है इधर इधर इधर। वो रूट हेयर क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। रूट में क्या है, जाइलम है। लीव्स में भी क्या है, जाइलम है। तो ये जाइलम से क्या होगा, वाटर आके लीव में जाएगा, है ना। तो ये जो जाएगा ऊपर अपवर्ड, क्या जाएगा, वाटर। वाटर के साथ साथ और कौन जाएगा, मिनरल्स जाएगा। तो ये वाटर पर प्लस मिनरल जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट को क्या बोल, नेक्स्ट स्टेप को क्या बोलेंगे हम लोग, एसेंट ऑफ सैप। तो लिखता हूं एसेंट ऑफ सैप। और जो लास्ट है वो क्या है, ट्रांसपीरेशन। यानी जो मतलब वाटर है जो लिप्स में गया वो क्या होगा, इवापोरेशन से बाहर आ जाएगा। ट्रांसपीरेशन से फिलहाल ये चैप्टर में हम लोग, मतलब ये लेक्चर में हम लोग डील नहीं करेंगे, लेकिन ये है स्टेप, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो कैसे होता है, अच्छे से समझो। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉयल वाटर को हम लोग रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेंगे और रूट का ही जाइलम में हम लोग उसको पहुंचा देंगे, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप में हम लोग क्या देखेंगे, कैसे हम लोग रूट से लीफ में वो सैप को, यानी वाटर प्लस मिनरल को लेके जाएंगे। और ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, जो भी लीफ में वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, मेनली थ्रू स्टोमाटा, मेनली थ्रू स्टोमाटा। ये क्या है, प्रोसेस है, फुल वाटर ट्रांसपोर्ट का ये क्या है, एक स्टेप्स है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होते हैं, रूट हेयर में होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो मेनली दो प्रोसेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एक मिसकॉन्सेप्शन आएगा, देखो मिसकॉन्सेप्शन क्या है, एक्टिव बोलने से दिमाग में क्या आएगा, एक्टिव बोलने से दिमाग में यह आएगा एटीपी लगता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और पैसिव मतलब एटीपी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, इसका मतलब है इसमें रूट सेल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है डायरेक्टली। और पैसिव मतलब ये हो रहा है इसमें रूट सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये है पहला कॉन्सेप्ट। तो एक्टिव मतलब रूट सेल का इन्वॉल्वमेंट, पैसिव मतलब रूट सेल का नॉट इन्वॉल्वमेंट। तो इसका किसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके इसमें ट्रांसपीरेशन में होगा, ट्रांसपीरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो दो तरह का हो सकता है, एक है एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, और एक होता है एक्टिव
नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, है ना, जो एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है ये ज्यादातर दिखा जाता है। क्या होता है इसमें, इसमें यह होता है, सपोज ये करो रूट हेयर हो गया और ये बाहर क्या है सॉयल वाटर, तो इन जनरल क्या होता है सॉयल वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये कम होता है, यानी सॉयल वाटर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा रहता है, और रूट में वाटर कम रहने के बावजूद इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, रूट सेल में उसका कंसेंट्रेशन, यानी वाटर कम है तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना कम होगा, ज्यादा होगा, तो वही लिखा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट वायर इनसाइड द रूट हेयर इज मोर, तो क्या होगा पानी इधर से इधर जाएगा, तो इधर पानी ज्यादा है किधर सॉयल वाटर में, इधर कम है, तो ये प्रोसेस क्या है पैसिव है। ये पैसिव मतलब क्या है, ये पैसिव मतलब एटीपी का जरूरत नहीं है अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में क्या होगा अलोंग ऑस्मोटिक प्रेशर पानी जाता है, लेकिन एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कुछ केस में ऐसे भी तो केस हो सकता है जिसमें जो सॉयल वाटर अवेलेबल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जैसे जो हम लोग का सी का जो समुन्दर का एरिया है उधर साइड में जो सॉयल वाटर है वो हाईली ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें ज्यादा होता है, क्यों, सॉल्टी वाटर होता है, तो उधर जो ट्रीज है उधर रूट मतलब जो रूट हेयर है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली लो होगा, लेकिन पानी तो घुसाना ही है भाई, पानी तो चाहिए नहीं तो फूड कैसे बनेगा, है ना, तो उस केस में क्या होगा ये जो घुसेगा ये एक्टिव प्रोसेस में घिसेगा, मतलब एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी को खर्चा करना होगा घुसाने के लिए। तो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेटाबॉलिक्स मेटाबॉलिज्म के यानी रेस्पिरेशन के थ्रू मिल जाता है। समझ में आया, तो एक्टिव मतलब रूट सेल जो क्या कर रहा है ये पानी का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। अगर ट्रांसपीरेशन, आगे जाके हम लोग जब बोलेंगे ट्रांसपीरेशन क्या करता है, ट्रांसपीरेशन के बावजूद एक पुल यानी फोर्स आते हैं, इसके बावजूद अगर वो ट्रांसपीरेशन फोर्स वो ट्रांसपीरेशन पुल अगर एब्जॉर्प्शन भी करा देता है तो ऐसा एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन, यानी रूट का कोई इसमें कोई रोल ही नहीं है, ट्रांसपीरेशन इसका मदद कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन बी टू टाइप, वन इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अनदर वन इज पैसिव एब्जॉर्प्शन, लेकिन ध्यान में रखें एक्टिव मतलब ऐसा नहीं एटीपी लगेगा और पैसिव मतलब ऐसा नहीं एटीपी नहीं लगेगा, इसका ये मतलब एक्टिव पैसिव में रूट सेल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो होगा एक्टिव, अगर नहीं हो रहा है तो होगा पैसिव। पैसिव में रूट सेल नहीं इन्वॉल्व कर रहा है मतलब कौन सा हेल्प कर रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल हेल्प कर रहा है, और एक्टिव भी दो तरह का हो सकता है, एक होगा एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो जनरली होता है उसमें अलोंग ऑस्मोटिक प्रेशर जाएगा पानी, और कुछ होता है एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जिधर क्या होगा, जिधर पानी जाएगा लेकिन क्या अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उधर सॉयल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये हो गया क्या एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन किधर हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ बेटा सिर्फ रूट हेयर में, लेकिन रूट हेयर से हम लोग को किधर ले आना है, साइलेम में, क्योंकि जाइलेम ही जो है वो क्या करते हैं जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करके लीफ में ले जाते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलेम। तो देखो एक पाथ से वो ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पाथ से ट्रांसपोर्ट होता है देखिए, तो पहले मैं एक फोटो ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस, है ना,
बाहर का, और ये हो गया रूट हेयर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं एपिडर्मिस, यानी बाहर का लेयर, और ये क्या है रूट हेयर। ये वाला पोर्शन हो गया कैसे अब्सॉर्ब हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूं ये एपिडर्मिस से कैसे, सपोज इधर हम लोग का जाइलम है, जाइलम का कौन मतलब कंपोनेंट कौन होता है, ट्रैकिड और वेसल, तो ऐसा होता है। तो एपिडर्मिस के बाद कौन होगा, एपिडर्मिस के बाद इधर जो रहता है सेल, ये सेल को बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टेक्स। उसके बाद ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। लेकिन एंडोडर्मिस के जो सेल के बीच में, सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, एक दो तीन चार सेल है, ये जो सेल के बीच में, ये बीच में क्या होगा, एक सुबेरिन मॉलिक्यूल का डिपोजिशन होता है। अभी कुछ साइंटिस्ट ने बोल रहा है वो सुबेरिन का नहीं है, लिग्निन का है, जो भी है, जो एमसीक्यू में आता है वो सुबेरिन का एक स्ट्राइप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्राइप, है ना। किससे बना होता है, सुबेरिन से बना होता है। ये क्या है, एंडोडर्मिस। उसके बाद कौन रहेगा, पेरिसाइकल, और उसके बाद कहां आएगा, जाइलम में आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे एब्जॉर्ब हुआ पानी इधर से जाइलम में आएगा, देखते रहो। ये जो प्रोसीडियर में आता है मेनली दो तरह का होता है, एक होता है एपोप्लास्ट, पहले ये समझ जाओ उसके बाद देखो, पहले वो एपोप्लास्ट, और एक पाथ होता है जिसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। देखो एपोप्लास्ट मतलब है ऐसा पाथ जो डेड टिश मतलब डेड नॉन लिविंग थिंग्स में चलते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं, जैसे दो सेल हो गए, एक सेल और एक सेल, इसका बीच में चले तो ये क्या है, नॉन लिविंग ही तो है। दो सेल के बीच में क्या रहता है, नॉन लिविंग थिंग रहता है। अगर सेल के अंदर घुसेगा तो क्या हो गया, लिविंग पार्ट में गुजर रहा है। तो ऐसा पाथ जो दो सेल के बीच में जाएगा, नहीं तो सेल वॉल से पास करेगा। एक सेल का सबसे बाहर क्या रहते हैं, सेल वॉल ही रहते हैं, उसके बाद तो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है ना। तो सेल वॉल से जा रहे हैं, ऐसे पाथ को बोलते हैं एपोप्लास्टिक। और एपोप्लास्टिक पाथवे में पानी बहुत फास्ट, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। और एक होता है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट का मतलब यह है ठीक उल्टा एपोप्लास्ट का। एपोप्लास्ट का मतलब क्या है, नॉन लिविंग में जाएगा, फास्ट जाएगा, लेस रेजिस्टेंट होगा। सिम्प्लास्ट मतलब अगर इनसाइड सेल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, प्लाज्मो सेल में, इनसाइड सेल कैसे जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। देखो ये दो सेल है और ये जो है सेल वॉल, इसके बीच में जो गैप होता है उसको इतना बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर इस पाथ में जा रहा है यानी लिविंग सेल के अंदर जा रहा है, तो प्लाज्मोडेस्माटा में जो पाथ जा रहा है वो भी क्या है, सिम्प्लास्टिक वे है ना। तो सिंपल वे में अगर बोले एपोप्लास्ट मतलब दो सेल के बीच में, नहीं तो सेल वॉल के थ्रू। सिम्प्लास्ट मतलब क्या है, सेल के अंदर जा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन से जा रहा है, ऐसा पाथ को हम लोग बोलेंगे क्या, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। और सिम्प्लास्टिक थोड़ा सा स्लो होता है यानी थोड़ा रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ना सिम्प्लास्टिक पाथ को क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं। लेकिन एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो, दोनों ही क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, लगता है ऐसा एक एक्टिव है एक पैसिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एपोप्लास्टिक में डेड सेल में जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस रहेगा, तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा फास्ट चला जाएगा। लेकिन सिम्प्लास्ट में लिविंग सेल में जा रहा है तो पानी उतना फास्ट नहीं जा सकता, थोड़ा लेट होगा। तो इसीलिए पानी के में क्या होगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, पानी क्या होगा, स्लो जाएगा। लेकिन दोनों प्रोसेस क्या है, पैसिव प्रोसेस है, यानी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। समझ में आया। तो देखो ये रूट हेयर क्या किया था, वाटर को एब्जॉर्ब किया था, वो कहानी समझ में आया। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल इधर है
वो वाटर मॉलिक्यूल किधर जाएगा? प्रोकॉर्टिक सेल में जाएगा, लेकिन ऐसा अंदर नहीं जाएगा, ऐसे बाहर बाहर जाएगा, ठीक है, यानी एपोप्लास्टिक शो करेगा। तो एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में कौन सा पाथवे दिखाता है? एपोप्लास्टिक। जब भी वो पानी एंडोडर्मिस में आ जाएगा उसके बाद उसका ऑप्शन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी तो जा रहा था सेल के बीच में, यानी सेल वॉल के थ्रू, लेकिन जब भी कॉर्टेक्स में आ जाएगा इधर क्या है, इधर रहता है कैस्पेरियन स्ट्राइप। तो कैस्पेरियन स्ट्राइप के अंदर पानी नहीं घुसेगा। क्यों? क्यों? वो वाटर रेजिस्टेंस है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो पानी नहीं घुसेगा। तो पानी का ऑप्शन क्या है? सेल के बीच में जाना, यानी प्लास्मोडेस्माटा का थ्रू चले जाना। तो एंडोडर्मिस से जो पाथवे चलता है वो कौन सा है? वो है सिम्प्लास्टिक। एंडोडर्मिस छोड़ के बाकी सारे में क्या होगा? एपोप्लास्टिक पाथवे। तो अभी क्या होगा, ये आ जाएगा जाइलम में, ठीक है। तो ये हो गया क्या, कैसे हम लोग का रूट हेयर से एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे में जाइलम में ले आए। अभी एक क्वेश्चन आएगा, इधर जाइलम में क्यों आए, इधर जाइलम में क्यों आए पानी, है ना? रूट हेयर से पानी जाइलम में आए, लेकिन कैसे आए? तो देखो, जो जाइलम है, जाइलम में कौन सा है? ट्रैकिड और वेसल, वो क्या है? डेड सेल है ना। तो डेड सेल के अंदर क्या होगा? डेड सेल के अंदर कोई भी पानी नहीं रहेगा, यानी उसमें क्या होगा, पानी का वाटर पोटेंशियल लेस होगा, तो पानी इजीली आ जाएगा। ये तो हुआ एक बात। और एक फैक्ट है, ये जो कैस्पेरियन स्ट्राइप है एंडोडर्मिस में, वो क्या करता है? एज ए चेक पॉइंट काम करता है मिनरल्स के लिए। देखो, इधर कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, यानी वाटर के साथ कुछ भी मिनरल्स आ सकता है, लेकिन ये जो कैस्पेरियन स्ट्राइप और एंडोडर्मिस है, कैस्पेरियन स्ट्राइप रहने के बावजूद क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन टॉस करेगा। और याद करके देखो, सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन में चैनल रहता है, प्रोटीन चैनल, जो क्या करता है, पर्टिकुलर आयंस को, पर्टिकुलर मिनरल्स को ही अलाउ करता है इधर से उधर जाने के लिए। तो ये जो एंडोडर्मिस है वो एक्ट करता है एज ए बैरियर और एज ए चेक पॉइंट फॉर एंटरिंग ऑफ एनी मिनरल्स इन टू द प्लांट सिस्टम। तो ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किया कैसे हम लोग का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एसेंट ऑफ सैप होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप यानी पानी कैसे खींचेगा ऊपर, तो इसके लिए बहुत सारा थ्योरी है। थ्योरी को डिटेल्स में जानने के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थ्योरी कौन कौन दिया और थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप, सैप मतलब जो वाटर और मिनरल आए इकट्ठे हुए उसको कैसे ऊपर जाएगा, इसको ही बोलेगा क्या? एसेंट ऑफ सैप। तो देखो कैसे ये होता है, इसके लिए बहुत सारा थ्योरी है, मतलब कौन सा फोर्स जो पानी को नीचे से ऊपर खींचे, है ना। सपोज ये करो एक पाइप, ये पाइप है, इधर पानी है ना, और इधर जाना है, तो ऐसा कुछ करना होगा, इधर इधर पानी को पुश करना है, नहीं तो इधर से पानी को पुल करना है। तो ये जो पुश है इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्यों हाइड्रो? क्योंकि वाटर का हो रहा है। और ऐसा पुल फोर्स इसको बोलता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इसको बोलता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हुआ? तो एसेंट ऑफ सैप के क्या क्या थ्योरी है, क्या कौन का कौन सा साइंटिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसेंट ऑफ सैप का थ्योरी को हम लोग जनरली तीन थ्योरी में बांटते हैं। एक होता है वाइटल फोर्स थ्योरी, एक होता है वाइटल फोर्स थ्योरी, एक होता है फिजिकल
थ्योरी, और एक होता है क्या जो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो क्या है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी। देखते जाओ ये क्या होता है, ठीक है। और फिजिकल थ्योरी में आता है दो, एक है कैपिलरी एक्शन थ्योरी, और एक होगा इम्बाइबेशन थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पल्सेशन थ्योरी। देखो अभी क्या है, नोट कर लो पहले, उसके बाद वीडियो को पॉज करो और नोट करो, उसके बाद सुनो पॉइंट को। तो एक बार बोल देता हूं, पहले है वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके अंदर पल्सेशन थ्योरी है, उसके बाद फिजिकल थ्योरी के में दो है, एक कैपिलरी एक्शन थ्योरी और एक है इम्बाइबेशन थ्योरी, और लास्ट थ्योरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो क्या है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। सब एकदम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। पॉज किया, नोट डाउन करो, हो गया। अभी देखो, तो पहले जो है वो क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी में जो पल्सेशन थ्योरी है वो दिया था कौन, जेसी बोस ने। जेसी बोस कौन है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जो पल्सेशन थ्योरी दिया है वो कौन दिया है, क्वेश्चन आता है, वो कौन दिया है, जेसी बोस ने। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी में और एक थ्योरी है जो मैं लिखना भूल गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी, है ना, रूट प्रेशर थ्योरी बोलेंगे। तो सॉरी ये भूल गया था ऐड करने, ये ऐड कर दो, वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर ही आता है रूट प्रेशर थ्योरी। फिलहाल जो पल्सेशन थ्योरी है वो क्या बोल रहा है, देखो हम लोग जो पढ़े थे, यानी कॉर्टेक्स सेल, एंडोडर्मिस से जस्ट बगल में जो कॉर्टेक्स सेल है, लेयर है, वो सेल क्या करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और पानी को पुश करते हैं, और ये पानी को पुश करने के बावजूद क्या होगा, ये पुश करने के बावजूद वाटर जो जाइलम के नीचे है, उधर रूट का जाइलम से एकदम ऊपर आ जाएगा। तो ये है क्या, पल्सेशन थ्योरी। किसका पल्सेशन, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, द इनर मोस्ट कॉर्टेक्स सेल विच इज द नियरर टू द एंडोडर्मिस। कौन दिया था, जेसी बोस ने। फिलहाल ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो कॉर्टेक्स सेल का इतना पावर नहीं होता है, एक पानी इतना सारा पानी को 5-5, 10-10 मीटर ऊपर ले जाए, है ना। तो पल्सेशन थ्योरी कौन दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, जेसी बोस। उसके बाद जो है वो है रूट प्रेशर थ्योरी, इसको थोड़ा समझना होगा। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या है, देखो, तो रूट प्रेशर थ्योरी बोलने से पहले एक फोटो खींच देता हूं रूट प्रेशर का। सपोज ये है प्लांट, और ये प्लांट के अंदर ही ये हो गया उसका रूट। तो ये रूट में अभी क्या होगा, देखो अच्छा से देखते जाओ, ये रूट में क्या होगा, इधर जो जाइलम है ना, वो जाइलम के अंदर क्या होगा, पहले मिनरल आ जाएगा, मिनरल इकट्ठा हुआ। और मिनरल इकट्ठा क्यों हुआ, क्योंकि रूट हेयर ने मिनरल को एब्जॉर्ब किया, किसके साथ, वाटर के साथ। अभी वो मिनरल कहां गया, ट्रैकेट के साथ। समझ में नहीं आ रहा, देखो पहले क्या बोला, ये जो रूट हेयर है, वो रूट हेयर क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो वाटर के एब्जॉर्प्शन का टाइम पे मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब कैसे होता है, मैं पहले ही बोला, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इधर, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो मेजरली क्या है, पैसिव है, लेकिन मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो मेजरली क्या होता है, एक्टिव होता है। वेरी गुड। तो जब मिनरल का ये एब्जॉर्प्शन होगा, तब क्या होगा,
ये मिनरल्स वो सेम पाथवे में, जैसे उधर गया था ना वाटर का, सेम एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट वे में वो जाइलेम में चला आएगा। अभी देखो जो जाइलेम है वो तो डेड टिश्यू से बना होगा क्योंकि ट्रैकिड और वेसल होता है। वो जाइलेम में अभी क्या होगा, वो मिनरल का मॉलिक्यूल घुस जाएगा। जब वो मिनरल का मॉलिक्यूल घुसेगा, कैसे घुसेगा, इधर कोई भी मिनरल नहीं है लेकिन अभी जो आ रहा है उसमें मिनरल ज्यादा है, तो पैसिव प्रोसेस में घुसेगा। तो जब ये जाइलेम में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तब क्या होगा, पानी भी इधर आ जाएगा, और पानी जब आएगा तब क्या होगा, इधर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, रूट प्रेशर बढ़ेगा, समझ में आया। और ऊपर क्या है, रूट प्रेशर कम है उधर, तो ये क्या होगा, पानी को पुश करेगा, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। लेकिन रूट प्रेशर का जो पावर वो बहुत छोटा है, जैसे 2 एटमोस्फियरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो रूट प्रेशर का औकात नहीं है एक पानी को इतना दूर उसको उठा दे, तो रूट प्रेशर थ्योरी फेल हो जाता है एसेंड ऑफ सैप के लिए। लेकिन रूट प्रेशर का 2-3 एडवांटेज भी है। कैसे कैसे एडवांटेज, एक तो एडवांटेज जो है रूट प्रेशर का वो क्या है, गटेशन। अभी गटेशन क्या है, देखो रूट प्रेशर क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, किधर से किधर, ऊपर से नीच तरफ, है ना, तो समझ में है रूट प्रेशर क्या है। तो क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई है और इवापोरेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक कंडीशन कब होता है, इवनिंग में, लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में, है ना, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में, तब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल नहीं होगा, यानी इवापोरेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपिरेशन क्या होगा। लेकिन क्या है, पानी का मॉलिक्यूल तो इकट्ठा हो गया जाइलम में, मतलब एक ऐसा करके पानी का मॉलिक्यूल जो जाइलम है रूट से लेकर एकदम ऊपर तक एकदम सजा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, लेकिन क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। तो रूट प्रेशर में क्या होगा, ये जो लिप मॉलिक्यूल्स इधर है, जो इधर लिप मॉलिक्यूल्स है, वो लिप्स में एक पोर होता है जिसको बोलता है, मार्जिन में होता है, याद रखो, इसको बोलता है हाइड्राथ्रोट्स। ये हाइड्राथ्रोट से क्या होगा, ये जो पानी का मॉलिक्यूल रूट प्रेशर के वजह से इधर से बाहर निकल आएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब होता है, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, इवापोरेशन कम होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वैसे होता है। और एक फायदा क्या है रूट प्रेशर का, कभी कभी क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का कॉलम होता है जाइलम में, ये कॉलम कभी कभी टूट भी जा सकता है, जब मतलब इंपॉर्टेंट फोर्स नहीं रहेगा तब ये कॉलम क्या होगा, कभी कभी तोड़ भी सकता है। वो कॉलम को रीजॉइन करने के लिए थोड़ा सा फोर्स चाहिए होता है, तो फोर्स क्या कौन देता है, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर का ऐसे एसेंट ऑफ सैप में कोई रोल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो उसका उतना पावर नहीं है वाटर मॉलिक्यूल को नीचे से ऊपर ले आए, लेकिन इतना प्रेशर है, मतलब ये हेल्प करता है कि इसमें गटेशन में, और जो तुम्हारा वाटर कॉलम का थोड़ा सा गैप होता है कभी कभी, उसको अगेन रीजॉइन करने के लिए, ये होता है रूट प्रेशर थ्योरी। कौन दिया था रूट प्रेशर थ्योरी, प्रिस्टले ने, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे ना प्रिस्टले, वही प्रिस्टले ने रूट प्रेशर दिए थे। नेक्स्ट जो थ्योरी आएंगे वो क्या है, फिजिकल थ्योरी, उसमें है क्या, कैपिलरी एक्शन थ्योरी। तो कैपिलरी एक्शन थ्योरी क्या होता है, देखो तो अभी आएंगे कैपिलरी एक्शन थ्योरी, किसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, देखो एक पाइप लो और ये पाइप को एक पानी, एक बकेट का पानी में उसको रख दो, क्या होगा, जब उसको इधर रखोगे ऑटोमेटिकली देखोगे पानी ऊपर आ जा रहा है, जितना छोटा डायमीटर उतना ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो साइंटिस्ट जो दिया कैपिलरी एक्शन थ्योरी,
वो क्या बोल रहा है, वो जाइलम जो है वो भी जब सॉयल वाटर का सैप में घुसेगा वो पानी का नीचे ऊपर ले आएगा, लेकिन 5 मीटर 10 मीटर 30 मीटर प्लांट्स में कैसे पानी नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये थ्योरी भी एक रिजेक्ट हो गया, इसका भी पावर उतना ज्यादा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो क्या है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट है। कौन दिया था, डिक्सन एंड जॉली। पल्सेशन थ्योरी और ये थ्योरी, ये दोनों का साइंटिस्ट का नाम बहुत आते हैं, तो याद रखो। पल्सेशन थ्योरी कौन दिया था, जेसी बोस ने। और ये जो कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी कौन दिया था, डिक्सन एंड जॉली ने। ये बहुत बार आ चुका है, याद रख दो। और एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन सा ज्यादा हेल्प करता है, कौन सा थ्योरी, ये ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपीरेशन पुल कैसा होता है, एक नेगेटिवली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, समझ में आ रहा है। तो जो तुम्हारा सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है एसेंट ऑफ सैप के लिए, यानी जाइलम का जो पानी हुआ है नीचे ऊपर कैसे आएगा, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हो क्या है, ये ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। तो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी होता क्या है, देखो। तो बेटा ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी होने से पहले ये करो लीफ, सपोज ये पकड़ो लीफ है, ठीक है। ये लीफ में क्या है, ये स्टोमेटा है ना, ये क्या है, स्टोमेटा है। और इधर क्या है, मेसोफिल सेल है, जिधर फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा, ये क्या है, मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल के बाहर कौन सा रहेगा बताओ, जाइलम। ये जाइलम इधर भी रहेगा, जाइलम रहेगा, फ्लोएम रहेगा, है ना। वही ये जाइलम में क्या होगा, पानी आएगा इधर से स्टेम में, है ना, पानी इधर से जाइलम का पाइप और उधर से पानी आ रहा है, समझ में आ रहा है पिक्चर। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो मेसोफिल सेल है और ये स्टोमेटा है, और ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। और ये सब स्टोमेटल कैविटी में क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब विंड इधर से पास हो जाएगा और जब ड्राई ह्यूमिडिटी रहेगा, तब क्या होगा, अंदर में जो वाटर वेपर है वो ज्यादा है कंपेयर टू बाहर, तो क्या होगा, ये वाटर इधर से बाहर आ जाएगा, और ये प्रोसेस को ही बोलता है क्या, ट्रांसपीरेशन। तो फिलहाल जो ट्रांसपीरेशन में वाटर बाहर आया, तो अभी सब स्टोमेटल कैविटी में कोई भी वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है जब बाहर चला जाए, तो क्या होगा, इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो इसके लिए ये मेसोफिल सेल को क्या बोलेगा, भाई मुझे पानी चाहिए। और मेसोफिल सेल सराउंड के किस में होता है, वाटर से, और ये वाटर का सोर्स क्या है, जाइलम है। तो ये सबस्टोमेटल कैविटी किधर से वाटर कॉम्पेंसेट करेगा, मेसोफिल सेल का जो सराउंडेड पानी है उसको ले लेगा। अभी ये मेसोफिल सेल का वाटर कहां से कॉम्पेंसेट करेगा, जाइलम से। यानी जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है उतना वो खींचेगा ऊपर से, और नीचे से क्या आएगा, पानी आएगा। यही प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। लेकिन एक चीज और है, ये जाइलम में क्या है, सपोज करो ये जाइलम है और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन मैं बोला था बहुत बड़ा बड़ा प्लांट में क्या होता है, कभी कभी ये तो छोड़ भी सकता है ना, टूट भी सकता है ये जो कॉलम है। तो कॉलम कैसे मेंटेन रहेगा, ये कॉलम मेंटेन रहता है, कॉलम इज मेंटेन थ्रू कैसे मेंटेन रहेगा, तीन तरह का एक्चुअली फोर्स है। एक होता है कोहेशन, एक होता है एडहेशन, एक होता है सरफेस टेंशन। देखो होता है क्या, जो कोहेशन है वो क्या है, कोहेशन मतलब क्या है, पानी का मॉलिक्यूल और एक पानी को कैसे खींच रहा है, इसको क्या बोलेगा, कोहेशन।
एडहेजन किसको बोलता है? सपोज ये पानी है, ये पानी का मॉलिक्यूल जाइलम का वॉल के पास से जा रहा है, तो ये जाइलम का वॉल और पानी का वॉल ये दोनों का जो अट्रैक्शन वो है एडहेजन। कोहेजन मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, ये जो है ये क्या है? कोहेजन। दो मार्कर के बीच में क्या हो रहा है? कोहेजन हो रहा है। लेकिन अभी मार्कर के बीच में मैं हाथ ले आऊं, मार्कर और हाथ के बीच में क्या हो रहा है? ये एडहेजन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये है कोहेजन और ये है क्या? एडहेजन। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। सरफेस टेंशन क्या होता है? देखो सरफेस टेंशन इधर समझता हूं। सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको सोचो, इधर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये कोहेजन का प्रेशर है, इधर कोहेजन, लेकिन ऊपर कोई नहीं प्रेशर दे रहा है, तो ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ एक फोर्स फील करेगा और वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। और तीनों फोर्स रहने के बावजूद क्या होता है? एक वाटर कॉलम रह जाते हैं, टूटते नहीं, और कभी कभी अगर टूट भी जाते हैं रूट प्रेशर क्या करते हैं? उसको रीजॉइन करते हैं। तो ये हो गया बेटा क्या है? एसेंट ऑफ सैप, और कैसे हम लोग क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को जाइलम का रूट से ऊपर ले आते हैं। क्यों ले आते हैं ऊपर? क्योंकि पानी और चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे फूड बने। अभी देखो फूड तो बन गया फोटोसिंथेसिस में, सपोज करो, तो नेक्स्ट जो चीज का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसका होगा? फूड का। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और फूड का ट्रांसपोर्ट किधर होता है? वेरी गुड, फ्लोएम के अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, चाहे जाइलम के थ्रू हो रहा है चाहे फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू यानी वैस्कुलर बंडल के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको ही बोलते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। तो अभी पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम यानी फूड पार्टिकल को कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हेडिंग देते हैं भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, कहां होगा? इन फ्लोएम। अभी ये जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है क्या बाईडायरेक्शनल है? ये क्वेश्चन है। क्या है ये? वेरी गुड, बाईडायरेक्शनल। मैं पहले क्लास में ही बोल दिया था जो सोर्स है और सिंक है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे वाटर के केस में सोर्स हमेशा रूट ही है और ऊपर ही जाएगा वो, तो वो क्या है? एक तरह का यूनिडायरेक्शनल। लेकिन कुछ सीजन में क्या होगा? जो लीव्स है वो गिर जाता है, तो वो सब क्रॉप में क्या हो? रूट हो गया, स्टोरेज ऑर्गन हो गया, वो सारे क्या करते हैं? एज ए मतलब वो स्टोर करके रखता है किसको? फूड पार्टिकल को। तब क्या होगा? नीचे से फूड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो फूड लीव से भी रूट में जा सकता है, और कभी कभी रूट जब एज ए स्टोरेज ऑर्गन काम करेगा तो रूट से भी कहाँ जा सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? बाई डिरेक्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी डिरेक्शनल बोलो, बाई डिरेक्शनल बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है? जाइलम के थ्रू जो होता है वो यूनि डिरेक्शनल होते हैं। अभी ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम है वो किस मतलब जो थ्योरी उसको एक्सप्लेन करते हो क्या है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। कौन दिया था? मंच बोल के एक साइंटिस्ट था, वो दिया था। तो हाइपोथेसिस का नाम क्या है? मास फ्लो हाइपोथेसिस। कौन दिया है? वो मंच बोल के एक साइंटिस्ट है, वो दिया है। तीन हाइपोथेसिस के बारे में और तीन थ्योरी के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, पल्सेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन पूल हो गया, और मास फ्लो हाइपोथेसिस हो गया। तो ये मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है ये थोड़ा देखो। तो मैं बोल रहा हूं लीप में खाना बन रहा है, ठीक है ना? तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं पिक्चर, ये है तुम्हारा लीप का सेल, ठीक है, और ये है तुम्हारा क्या है? ट्रैकिड बोलो, जो भी है फ्लोएम टिश्यू, जर्म जाइलम, मतलब इधर है, और ये क्या है? ये तुम्हारा मेसोफिल सेल है, जिधर क्या होता है? खाना बनता है ना। तो क्या होगा, मैं ऐसे कर रहा हूं,
इधर और एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया जाइलम। तो ये है जाइलम, जिधर क्या है वाटर मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या रहेगा फ्लोएम रहेगा। लेकिन फ्लोएम ऐसा नहीं रहता है बेटा, फ्लोएम में जो टिश्यू रहता है वो कौन सा है, वेरी गुड, सीव ट्यूब रहते हैं, कॉम्पेनियन सेल रहते हैं। लेकिन जो सीव ट्यूब है उसमें न्यूक्लियस रहता है क्या, नहीं रहता है। तो ये जो सपोज ये सी है फ्लोएम है और इधर क्या है छोटा छोटा क्या है सीव ट्यूब है, और तुमको पता ही होगा ये दोनों सीव सेल के बीच में, सीव सेल के बीच में क्या होगा परफोरेशन प्लेट होता है, परफोरेशन प्लेट यानी बहुत सारा क्या होगा होल होगा जिसमें वो जा सकता है। और ये सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और इधर जो सराउंडेड सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, वो सेल को क्या बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल, है ना। एनाटॉमी जब पढ़ाएंगे थोड़ा सा तो तब मैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिलहाल एक के पिक्चर के तरफ देखो। और एक बार देखो ये फ्लोएम है, और फ्लोएम के अंदर ये क्या है सीप शेल है, और ये क्या है परफोरेशन प्लेट, और ये न्यूक्लियस जो देख रहे हो क्या है कॉम्पेनियन सेल, और इधर क्या है जाइलम है। समझ में आया, अभी क्या बोल रहा हूं मैं मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में क्या है फूड बना हुआ है ना। तो क्या होगा जब इधर सपोज है मेसोफिल सेल, तो ये मेसोफिल सेल से अभी क्या है वो एज ए सोर्स काम कर रहा है, एज ए सोर्स काम कर रहा है। तो क्या होगा ये मेसोफिल सेल से क्या होगा खाना क्या होगा इधर आ जाएगा, किधर से थ्रू कॉम्पेनियन सेल देन इधर, है ना। तो इधर का क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। मैं क्या बोला मेसोफिल सेल में फूड है, और ये जो है सीप सेल इधर क्या है उसके कंपेयर में फूड नहीं है। तो जो भी खाना है वो मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल देन क्या किधर आएगा सीप सेल में आएगा, और सीप सेल में क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अभी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फूड घुस गया है। तो साइड डब्ल्यू कम हो जाएगा, साइड डब्ल्यू जब कम हो जाएगा तो क्या होगा जाइलम में तो साइड डब्ल्यू ज्यादा होता है, तो इधर से पानी अंदर आ जाएगा। जब पानी अंदर आएगा तो क्या होगा टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है इधर घुसा क्या खाना फूड पार्टिकल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो साइड डब्ल्यू क्या है जाइलम वो पास में ही है जाइलम, तो उधर से पानी क्या होगा इधर आ जाएगा। जब पानी घुसेगा किधर सीप सेल में, तो वो सीप सेल के अंदर एक क्या होगा टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। वो टर्गर प्रेशर क्या करेगा इधर से वो खाना को इधर नीचे ले आएगा, तो ऐसा करके क्या होगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो जाता है। तो ये होता है क्या हम लोग का फूड पार्टिकल कैसे फ्लोएम के दौरान होता है, और ये जो फूड जाता है ना सीप सेल में किसके फॉर्म में जाता है, जो मेसोफिल सेल में जो खाना बनता है वो है ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज किसके फॉर्म में बन जाता है सुक्रोज, और ये सुक्रोज ही क्या है ये सीप सेल में एंटर करता है, ठीक है। और उसके बाद पानी आ जाता है, और सुक्रोज और पानी क्या करता है एक सैप के तरफ काम करता है और टर्गर प्रेशर बढ़ा देता है, और हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर वो सैप का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये हो गया क्या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सारे कंसेप्ट। तो हम लोग ये दो वीडियो में, ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में जितना भी बाकी था लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से पूरा खत्म हो गया। ये वीडियो को दो बार देखो और समझने का कोशिश करो, और एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जाके जो रिकमेंड बुक्स है उससे जाके पढ़ो। तो ये था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का ऑल लेक्चर्स, और कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वो डाउट को क्लियर करने के लिए। देखो मैं ये जो एग्री एडिट प्लेटफॉर्म है उसका ही एक स्टूडेंट था पिछले साल, अभी मैं एक एडुकेटर हूँ और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ।
मैं मेरा जूनियर जो है उसको मैं सजेस्ट करूंगा प्लांट साइंस का जो भी हम लोग का कोर्स है उसके ज्वाइन होने के लिए। हम लोग इस साल इतना मेहनत करके और इतना डेडिकेशन से लाइव क्लास और मॉक टेस्ट बना रहे, उम्मीद रखते हैं 90% क्वेश्चन जो है वो हम लोग का प्लेटफॉर्म में ए टू जेड आ जाए। तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।